हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप अपने चेहरे को बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से ग्लोइंग और चमकदार बना सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे की मदद से आपके चेहरे की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि पिंपल्स, डार्क स्किन, डार्क सर्कल्स या फिर रोम छिद्रे, जो भी आपके चेहरे की समस्याएं होंगी, वो सभी इस रेमेडी की मदद से वो आसानी से दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही आसान है। इसकी मदद से आपको बहुत ही कम समय में चमकदार और ग्लोइंग दिखने लगेंगे। इस नुस्खे का इस्तेमाल आप खुद घर पर रहकर ही कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको किसी की मदद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही नेचुरल तरीका है। तो दोस्तों, चलिए आइए शुरू करते हैं इस रेमेडी को बनाना, कि हमें इस रेमेडी को बनाने के लिए किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, वो है गुलाब जल। जी हाँ दोस्तों, गुलाब जल हम अपने फेस को ग्लोइंग और साफ करने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों, गुलाब जल में कुछ ऐसे एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो हमारे चेहरे को बहुत ही साफ कर देते हैं और हमारे चेहरे को चमकदार बना देते हैं। तो दोस्तों, इस रेमेडी में हम सबसे पहले जो यूज करेंगे वो है गुलाब जल। आपको इसमें एक चम्मच गुलाब जल लेना है, यानी कि रोज वाटर। इसके बाद जो हम इसमें दूसरी चीज यूज करेंगे वो है दोस्तों दूध। जी हाँ दोस्तों, हम इसमें एक चम्मच या दो चम्मच हम इसमें दूध लेंगे इस तरह से। दोस्तों, अगर हम गुलाब जल के साथ दूध ऐड करके अपने फेस पर लगाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दूध भी हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगर हम इसके गुलाब जल के साथ इस दूध को मिक्स करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, अब इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो देखिए दोस्तों, अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। मिक्स होने के बाद आपको एक किस तरह से अपने फेस पर अप्लाई करना है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश करना है, ताकि जो आपके फेस पर गंदगी होगी वो दूर हो जाएगी। उसके बाद आपको एक कॉटन की मदद से इसे अपने पूरे फेस पर लगाना है। इस कॉटन को इसमें इस तरह से डिप करना है और अपने फेस पर इस तरह से आपको ये अप्लाई करना है। बिल्कुल इस तरह से अपने पूरे फेस पर आपको इसे अप्लाई करना है, आपके डार्क सर्कल्स पर, आपके पिंपल्स पर, जहां पर भी आपको लगे कि आपका डार्क सर्कल है या फिर डार्क पोर्शन है, वहां पर आपको इसे अच्छी तरह से अप्लाई करना है। दोस्तों, इसको आपको रात को सोने से पहले अपने फेस पर अच्छी तरह से लगाना है और इसको लगाने के बाद आपको सो जाना है और सुबह उठकर आपको इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। दोस्तों, आप इसे सुबह उठकर वॉश करें तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट और मुलायम हो चुकी होगी और आपकी स्किन एकदम चमकदार हो गई होगी। दोस्तों, ये आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसे आपकी ब्रोम छिद्र, आपके डार्क सर्कल्स, आपके ब्लैक हेड्स, जो भी प्रॉब्लम होंगे, ये उन सभी को दूर करने में बहुत ज्यादा मददगार होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल हफ्ते में ज्यादा नहीं सिर्फ 3 बार भी अगर करेंगे तो इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे और आपका चेहरा बहुत ही कम समय में ग्लोइंग और चमकदार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का नुस्खा आप सभी के लिए। अगले बार हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।